भारत में ओमिक्रॉन के 231 मामले, दिल्ली में सबसे ज्यादा 57 केस, महाराष्ट्र में 54 मामले, कई राज्यों में बढ़ा आर काउंट। पंजाब किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, मंगलवार को बाधित हुई 156 ट्रेन, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजे और लोन माफी की मांग। चीन की सीमा शहर डोंगजिंग में कोविड का एक मामला, प्रशासन ने लोगों से की घर में रहने की अपील, यातायात और फिजिकल क्लास पर प्रतिबंध। WHO प्रमुख का बयान, 2020 में TB, HIV और मलेरिया से ज्यादा कोरोना संक्रमण से मारे गए लोग, 33 लाख लोगों की मौत। देशों की 70% आबादी के पूर्ण टीकाकरण से पूरा होगा 2022 में महामारी को खत्म करने का लक्ष्य। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर लगाया बच्चों का इंस्टा अकाउंट हैक करने का आरोप, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने लिया संज्ञान, कंपनी को दिए जांच के आदेश। दिल्ली में तापमान गिरने से बढ़ा वायु प्रदूषण, बुधवार सुबह 4 डिग्री रहा तापमान और 399 AQI, राजधानी की हवा फिर गंभीर श्रेणी के करीब। और यूके हाईकोर्ट ने दुबई शासक शेख मोहम्मद को दिया पूर्व पत्नी को सेटलमेंट के तहत दे 557 मिलियन पाउंड देने का आदेश, बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने के भी निर्देश।